नमस्कार, स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नींबू पुदीने का कंसंट्रेट शरबत। तो देखिए, नींबू पुदीने का दो तरीके से बनता है। एक तो चीनी को हम इंस्टेंट मिलाएं, पुदीने का पीस के डाल लें और नींबू का रस मिला लें तो वो इंस्टेंट बन जाता है। आज हम एक बार बनाएंगे और एक महीने तक बना के रख लेंगे और एक महीने तक उसको पियेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम कंसंट्रेट नींबू का शरबत बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए, मुझे ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच नमक, काला नमक लिया है। ये मैंने 1/2 कप पुदीने के पत्ते, जिनको मैंने धो के पहले से रख लिया है। 1 कप पानी लिया है, जो मैं शुगर सिरप बनाने के लिए यूज करूँगी। ये मैंने 500 ग्राम चीनी ली है, यानी कि इस मेजरिंग कप से 2 कप चीनी है ये। और ये मैंने 10 नींबू लिए हैं, छोटे बड़े। तो सबसे पहले हम नींबू को कट करेंगे, और जब तक हम नींबू कट करेंगे, हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो हम चाशनी के लिए ले लेते हैं 1 बर्तन। इसमें डाल देते हैं चीनी, और डाल देते हैं पानी, और इसको अब हम चाशनी बनने तक पका लेंगे। और दूसरी साइड हम नींबू को कट कर लेंगे 2-2 पीसेज में। तक हमारी चाशनी तैयार होती है, तब तक हम नींबू को कट कर लेते हैं 2-2 तरीके से। फिर इनका हम रस निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे नींबू को हम कट कर लेंगे। तीसरी साइड मैंने गैस पे चाशनी को बनने के लिए रख दिया है। उसमें हल्का हल्का उबाल आने लग गया है, तो इसको हम बना लेते हैं। इधर हमारा शुगर सिरप बनके तैयार हो गया है, ये अच्छे से उबल गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। दूसरी साइड मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। कैसे हम सारे नींबू का रस निकाल लेंगे। नींबू का मैंने रस निकाल लिया। अब लेते हैं 1 मिक्सी का जार, इसमें डाल देते हैं ये पुदीना, और साथ ही थोड़ा सा डाल देते हैं नींबू का रस, ताकि ये आसानी से पिस जाए। और चाहे तो आप अदरक का भी एक टुकड़ा डाल सकते हैं, मैं इसमें यूज नहीं कर रही हूँ। इधर हमारा शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। इधर मैंने पुदीने को पीस लिया, तो हम ये इसमें मिक्स कर देते हैं। साथ ही ये जो लेमन जूस हमारा बचा था, ये भी इसके अंदर डाल के वापस हम डाल देते हैं, ताकि जो पुदीना जार में चिपका हुआ है वो भी निकल जाए। इस तरीके से डाल देते हैं काला नमक जो हमने लिया था, और अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक जार में छान लेते हैं। लेते हैं एक जार, इसमें अब इसको हम छान लेते हैं, ताकि जो चीनी के साथ जो कचरा आता है वो, और जो नींबू के बीज वगैरह या पुदीने के जो बड़े पत्ते थे वो आसानी से निकल जाए। इस तरीके से मैंने पूरा छान लिया, जो कचरा था मोटा मोटा जो चीनी के साथ वो भी आ गया, और जो पुदीने के बड़े पत्ते और नींबू के बीज वो भी हमारे ऊपर आ गए हैं। हमारा शरबत बन के तैयार हो गया है। नींबू का कंसंट्रेट शरबत हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसे मैं बताती हूँ किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए लेंगे ग्लास, जिस भी हमें बर्तन में बनाना है उसमें डालेंगे हम लगभग 1 बड़ा चम्मच शरबत। इस तरीके से नाप लेंगे ऊपर तक, थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसमें डालेंगे आइस क्यूब, 4 से 5 हम आइस क्यूब डाल देंगे।
डालेंगे ठंडा पानी, आइस क्यूब डालेंगे बाद में, इसमें डाल दिया ठंडा पानी और इसको अब हम मिक्स कर देते हैं। हमारा कंसंट्रेट शरबत बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी इस कंसंट्रेट शरबत को हम एक बार बना के एक महीने तक यूज कर लेंगे, इसे हम एयर टाइट कंटेनर या बोतल में भर के फ्रिज में रख देंगे और जब भी हमारा पीने का मन हो तो इस तरीके से हम बना लेंगे। अगर आपको हमारा ये कंसंट्रेट शरबत बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।